ओम नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हर प्रिये गतिस्त्वं प्रसन्नानां साम भयान्मत्वदलनद नमो विश्वरूपस्य भार्यासी पद्मा पद्मालये शुभे सर्वत्र पाहि मां मातः लक्ष्मीदेवी नमस्तुते। ओं त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यथा त्वं स्वस्तिराकृष्णे तथा भवमहीपरा ईश्वरी कमला लक्ष्मी चंचला श्री हरिप्रिया पद्म पद्मालया संपद श्री पद्मधारिणी। ओं महालक्ष्मी देवे नमो नमः। माँ महालक्ष्मी को समर्पित ओषाटीए माणबसा बा माण ओषा ओडिशारे मार्गशीर मासर प्रति गुरुवार दिन एही मार्गशीर गुरुवार ओषा माण ओषा को पालन करा जाए। एहाकु माणबसा गुरुवार ओषा मध्ये कहंती एवं ओडिशार लोक पर्व गुड़िक मध्यरे गुरुवार ओषा हेउछि अन्यतम प्रधान पर्व। गुरुवार ओषा ओडिशार कला संस्कृति खाद्यपेय आनंद उत्सव एवं सरल विश्वासर गोटे श्रेष्ठ उदाहरण। सेथिपाई ब्राह्मण ठारु आरंभ करी चंडाल जाए समस्तंक घरे एही ओषा पालित हुए एवं मार्गशीर मासरे गुरुवार दिन चारिपाड़ी बा पांचपाड़ी माण बसा जाए। एही ओषार इष्ट देवी हेउछंती माँ महालक्ष्मी जी समस्त लक्षणर अधिकारिणी समस्त प्रकार श्री विभव ऐश्वर्य आनंद सुख शांति को जी प्रदान करिथांती सेई माँ महालक्ष्मी को समर्पित माण बसा ओषा एवं एही दिन माण बसा जाए। सेथिपाई एही ओषार नाम हेउछि माणबसा एवं माणटी हेउछि माँ महालक्ष्मीकर प्रतीक। सेथिपाई मार्गशीर मासर चारिपाड़ी बा पांचपाड़ी रे जेउ पाड़ी गुड़िकर माण को बसा जाए ताको माण बसापाड़ी कहुए एवं जेउ पाड़ी रे माण को विसर्जन कराए ताको माण उठेबा पाड़ी बोली मध्य कहुए। एवं एही माण बसा समस्त पाड़ी मध्यरे आद्य गुरुवार मार्गशीर मासर हेउछि प्रथम एवं प्रधान। तेणु मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार पाड़ी माँ महालक्ष्मी को उद्देश्य धान माण को तांकर प्रतीक भाव ग्रहण करी बसा जाए। एवं एही माण बसार प्रथम गुरुवार पाड़ी ठारु चारिपाड़ी बा पांचपाड़ी धरी माँ महालक्ष्मी को विधि विधान सहित माण ओषा पाड़ी को पालन कराए। शास्त्र में कहा जाए मासनांग मार्गशीर श्रेष्ठ अर्थात मास मानक मध्यरे मार्गशीर मास हेउछि श्रेष्ठ मास। तेणु एही मार्गशीर मासटी माँ महालक्ष्मी जी सृष्टिर पालन करसरी तांकु ही समर्पित। तेणु मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार पाळीर पूर्व रातिर घर द्वार लिपा पोछा करी भल भावरे परिष्कार करी अरुआ चाउलर पिठौरे चिता पका जाए। नुआ अरुआ चाउलर चिता पका जाए कारण माँ महालक्ष्मी हेउछंती परिष्कार एवं स्वच्छतार प्रतीक। जेहेतु माँ महालक्ष्मी स्वयं निजे स्वच्छतार प्रतीक सेथिपाई घर गृह अगणा ए सबुकु परिष्कार लिपा पोछा करा जाए एवं चिता पका जाए। नुआ अरुआ चाउलर चितारे सुंदर सुंदर भावरे माँ लक्ष्मीकर पाद पद्म एवं विभिन्न प्रकार झोटी मध्य पका जाए। हाथी मयूर सुआ धान सीसा ए सबुर चिता को कांथरे झोटी माध्यम रे दिया जाए। नुआ अरुआ चाउल बटा पिठौ एवं गेरु रंग बा जहाँ ढाऊ मध्य केतक अंचल रे कहंती ता सहित हलदिया माटी एवं सेथिरे चिता एवं झोटी को पकाई माँ महालक्ष्मी को स्वागत करिबा पाई घरर अगणा ठारु आरंभ करी घरर फाटक द्वार ठारु आरंभ करी बाड़ी पर्यंत एवं प्रत्येक कबाट बा द्वार पाखरे एवं ठाकुर घरे विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर झोटी पका जाए। एवं माँ महालक्ष्मी को स्वागत करिबा पाई विभिन्न प्रकार डाल पत्र पुष्प पद्म ए सबुर छोटी मध्य पका जाए। मार्गशीर मास हेउछि जेहेतु धान अमलर समय तेणु गाँ गहल मानकरे धान खळारे
ଧାନ ଆସି ଜମା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅମଳର ଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଧାନ ଶସ୍ୟ ଚାଉଳ ଏସବୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଓଷାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମାଣବସା ଓଷାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରାତଃ ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ମାଣ ଯାହା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମାଣ ଆଣି ଏବଂ ଖଟୁଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ନୂଆ ଖଟୁଲି ନୂଆ ମାଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ମାଟି ଲିପି ତା ଉପରେ ଚିତା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ହୋଇ ମାଣ ବସାଇବା ସ୍ଥାନରେ କୋଠି ଲେଖି ତା ଉପରେ ଖଟୁଲି ପିଢ଼ା ବା ପତର ଆସନ ଏସବୁ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୂର୍ବରାତ୍ରରୁ ମାଟି ଲିପି ଚିତା ଲେଖାଯାଇଥିବା ନୂଆ ମାଣଟିଏ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଉଳ ଆକାର କରି ଧାନ ପୂରାଯାଏ। ତାପରେ ନୂଆ ଲୁଗା ବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ନୂଆ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଥବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ରଖି ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ସେହି ମାଣ ଉପରେ ଓଢ଼ଣୀ ଦିଆଯାଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଏବଂ ନବବଧୁ ପରି ସେହି ଧାନ ମାଣକୁ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ଏସବୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ପାଳିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱୟଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ମାଣବସା ବା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ଯେ ତତ୍ପର ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ତାପରେ ଗୋମୟ ଜଳ ଗୋବର ପାଣିରେ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଲିପାଯାଏ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଗାଁ ଗହଳମାନଙ୍କରେ ଗୋମୟ ଜଳ ଗୋବର ପାଣିରେ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଲିପାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରମାନଙ୍କରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ସିଞ୍ଚନ କରି କିଛି ଗୋବର ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ପିଠଉରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ ଏବଂ ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଅଣାଇ ଯତ୍ନେ ବେଗେ ଧୋଇ ଧୋଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ବେଗେ। ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ପାଳିର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସକାଳରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସମୟ ଅଭାବରୁ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏସବୁ କର୍ମ କରାଯାଏ। ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଆଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ତା ସେଥିରେ ମାଟିକୁ ଲେପନ କରି ନାନା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରାଯାଏ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ପିଠଉରେ। ଡାଳି ଅଙ୍କାଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଏ ଏବଂ ଧାନ ସିସାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ଗୁରୁବାର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସି ଚୌକି ବା ଖଟୁଲି ଗୋଟିଏ ଆଣି ଠାକୁର ଘରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବ। ଚୌକି ବା ଖଟୁଲିଏ ଆଣିବ ତ୍ୱରିତ ତାକୁ ଧୋଇ ତାର ପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ ରଙ୍ଗ କଳା ନହୋଇ ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଧାନର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗ ନ ହୋଇ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଧାନ ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ଧାନ ହୋଇଥିବ। ତହୁଁ କିଛି କୁଢ଼ାଇ ଯେ ନୂଆ ମାଣରେ ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୁରାଇ ରଖିବ ତାପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଧାନ କିଛି ରଖି ତା ଉପରେ ମାଣ ରଖି ସେହି ଧାନ ମାଣରେ ଧାନ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଧାନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତା ଉପରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୁଆ ହୋଇଥିବା ତିନି ଗୋଟି ଗୁଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ। ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ ତିନି ଗୋଟି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି ଶୁକ୍ଳ ଧାନର ସିସା ରଖି ବେଣ୍ଟି କରି ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ତିନି ଗୋଟି ଗୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଥୋଇବା ପରେ ତା ଉପରେ
पूर्वदिन प्रस्तुत हो रही धान मेंटा जहाँ धान सीसा किछि नै सेथिरे बांधी धान मेंटा को प्रस्तुत करा जाए जहाँ को धान मेंटा धान बेंटा बा धान गहणी बोली मध्य कहा जाए ताहा को से धान माण उपरे रखा जाए एवं धान माण पाखरे चूल आखु मूला कदळी ए सब विभिन्न प्रकार परिवा सहित फल पुष्प एवं माँ लक्ष्मीकर प्रिय रंगर पुष्प हेउची गेंडु फूल हलदिया बा नाली रंगर गेंडु फूल को रखा जाए विभिन्न रंग बसन पुष्पे मंडाइब तहु आवाहन महालक्ष्मी को करिब। मार्गशीर मास प्रथम गुरुवार पाळी रे जेहेतु धान माण को बसा जाए ता उपरे धान मेंटा को रखी सुंदर भावरे नुआ ओढ़णी नाली रंगर वस्त्र रे सजेई माँ लक्ष्मी को आवाहन कर स्थापन करा जाए सेथिपाई प्रथम गुरुवार पाळी को धान माणबसा बसा पाळी बोली कहा जाए एवं एही दिन ठारु माँकर धान माणर पूजा करा जाए चारिपाळी बा पांचपाळी एवं माँ महालक्ष्मी ध्यान मंत्र रे माँ को आवाहन तथा ध्यान करा जाए ओम विष्णु सक्त चतुर्भुजा वैकुंठ बासिन्ने श्री ह्लीं महालक्ष्मी नारायणी देवी नमो नमो। हे माँ महालक्ष्मी, हे अन्नपूर्णा, हे सारा संसार पालनकर्त्री, आपण कृपा पूर्वक मोर गृह को आगमन करंतु एवं माँ महालक्ष्मी गायत्री मंत्र पाठ करा जाए ओम महालक्ष्मी विद्महे वैकुंठ बासिन्ने धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। गायत्री मंत्र को पाठ करी माँ महालक्ष्मी को आवाहन स्वागत करा जाए आसन दिया जाए वैदिक मंत्र ओम लक्ष्मी देवे नमो नमो ओम महालक्ष्मी देवे नमो नमो एपरी मंत्र को उच्चारण करा जाए माँ को आसन दे स्वागत मंत्र रे स्वागत करा जाए तापर आवाहन अर्घ्य पाद्य स्नानीय मंत्र आभरण मंत्र आचमनीय मंत्र बसन मंत्र सुगंध द्रव्य सिंदूर कज्जल अलता पादुका चंदन गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य एपरी भाव में पंचोपचार विधि माँ को पूजा करा जाए एवं माँ को मध्य दीपदान करा जाए दीपदान मंत्र रे तापरे विभिन्न प्रकार तीन प्रहर रे तीन धूप रे माँ महालक्ष्मी को गुरुवार पाळी रे पूजा करिवार विधान रही। प्रथमे सकाळे प्रातः काल रे बाळ भोग समर्पण करा जाए एही बाळ भोग रे विभिन्न प्रकार फलमूल माँ को समर्पण करा जाए किंतु कौनसी प्रकार खट्टा फल समर्पण करा जाए नहीं एवं तापरे दीपहर रे संखुड़ी भोग अर्थात अन्न खिचुड़ी डाली डालमा खट्टा शाग जेहेतु माँ महालक्ष्मी कोशला एवं मूला शाग अतीब प्रिय एवं पूरी श्रीमंदिर रे मध्य केवल कोशला एवं मूला शाग व्यतीत अन्य कौनसी सागर रंधनर व्यवस्था नहीं तेणु गुरुवार पाळी रे माँ महालक्ष्मी को कोशला एवं मूला सागरे व्यंजन प्रस्तुत करा जाए ता सहित जो माने परंपरा मुताबक घर मानकरे प्रत्येक वर्ष माणवसा गुरुवार पालन करियासुचंती से माने प्रथम गुरुवार पाळी रे माँ महालक्ष्मी को जहाँ व्यंजन परसी आवाहन पूजा करती से माने सही विधि अनुसार माँ को पूजा करी कहीं कहीं खिचुड़ी अर्थात अन्न सहित मुग डाली पकाई नुआ अरुआ चाउलर खीरी बा नुआ अरुआ चाउलर खिचुड़ी ता सहित डालमा ओ खट्टा साग भजा विभिन्न प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करी संखुड़ी भोग दिया जाए एवं सेथिरे किछि पिठापणा को मध्य संयोग करी माँ महालक्ष्मी को पूजा करा जाए एवं एही पिठारू किछि रखी संध्या समय रे माँ को संध्या भोग रे मध्य पिठापणा समर्पण करा जाए। दिसा काकरा मंडा घिओ पिठा विभिन्न प्रकार घृत पिठा को प्रस्तुत करा जाए माँ महालक्ष्मी को उद्देश्य रे परसा जाए एवं भोग नैवेद्य समर्पण करा जाए। मार्गशीर गुरुवार रा प्रत्येकटी पाळी रे चारि पाळी अथवा पांच पाळी पर्यंत एही परि भाव रे बाळ भोग संखुड़ी भोग एवं संध्या धूप
तीनि धूपरे माँ को पूजा करा जाए एवं तापरे पुष्पांजलि मंत्रे माँ को पुष्पांजलि निवेदन करा जाए ओम नमो देवी महालक्ष्मी सर्वसंपद दायिनी सर्वदुख हारी देवी गृहाण कुसुमांजलि हे माँ कृपा पूर्वक आमर पुष्पांजलि को ग्रहण करंतु। तापरे स्तुति पाठ मंत्र पाठ करी माँ को प्रसन्न करा जाए। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूर पूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कुलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। परिशेषे क्षमा प्रार्थना मंत्रे माँ को क्षमा प्रार्थना करा जाए। मंत्रतंत्र क्रियाचार भाव भक्तिया यथाकृतम जदर्चित महादेवी परिपूर्ण तदस्तु मे। हे माँ महालक्ष्मी हे स्वयं अन्नपूर्णा आम मंत्रतंत्र क्रियाचार विधि विधान किसी भी जानुना केवल हृदय समर्पित भाव भक्ति आपण को नवेदन करुचु। यही मार्गशीर गुरुवार पूजा माणओषा पूजा कृपापूर्वक आपण ताकु ग्रहण करी मोर गृह विराजमान करंतु एवं धन धान्य गोप लक्ष्मी गृह को परिपूर्ण करंतु एवं परिशेषे माँ को प्रणाम करा जाए। विश्वरूपस्य भाज्यासी पद्मे पद्मालय शुभे सर्वतः पाहि माँ देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। वंदेह धनदात्री महालक्ष्मी देवी नमो नमामि। यहीपरि भाव विधि विधान सहित सुच्छ हृदय शुद्धपूत भाव माँ महालक्ष्मी को पूजा करी मार्गशीर गुरुवार व्रत को पालन करा जाए एवं माँ महालक्ष्मी जेहेतु पद्म फूल अतीब प्रिय यही गुरुवार पाणी मानक माँ महालक्ष्मी को पद्म फूल दे पूजा कले पूजार सुफल मिलता है। माँ महालक्ष्मी संतुष्ट होती बोली विश्वास करा जाए। ता सहित माँ को जेहेतु धला रंग एवं नाली रंग अतीब प्रिय जो मैंने पूजा करती मार्गशीर गुरुवार पाणी से मैंने धला रंगर वस्त्र नाली रंगर धड़ी जदि लुगा पिंधती ताले माँ महालक्ष्मी संतुष्ट हूँ बोली विश्वास करा जाए। ईशार विभिन्न पर्वपर्वाणी जानी यात्रा उत्सव मध्य मार्गशीर गुरुवार ओषा ओडिया मानकर जीवन लक्ष्य आदर्श एवं विचारधारार यथार्थ परिचय दिए एवं मार्गशीर मासर ही प्रथम गुरुवार पाळी साधारणतः कार्तिक पूर्णिमा बा रास पूर्णिमा परे पड़ी थाए एवं केही केही बीरजा पंजिका अनुसारे संक्रांति रु संक्रांति जेहेतु मास को गणना करती प्रथमाष्टमी पूर्वर मार्गशीर मास गुरुवार प्रथम पाळी को पालन करती एवं अनेक लोक मध्य प्रथमाष्टमी परे प्रथम गुरुवार पाळी को पालन करती एवं माँ महालक्ष्मी कृपा आशीष भिक्षा करती ओं आगछ देवे देवे सी दारिद्र्य दुख नाशिनी सर्वसुख सर्व आनंद प्रदायिनी कृपया गृहाण पूजांग मप्नोति प्रसन्ना भव। हे माँ महालक्ष्मी तुम्हें मो गृह को आगमन करी मो उपरे सर्वदा प्रसन्न होई मोर गृह विराजमान कर ओं माँ महालक्ष्मी देवे नमो नम ओं लक्ष्मी नारायणाय नमो नम ओं लक्ष्मी जगन्नाथाय नमो नमः।